करा के मजा आया नहीं बताओ तो। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 11 दोगे? ऐसा क्यों, क्या अच्छा लगा आपको ज्यादा? आपकी हर चीज अच्छी लगी। हर चीज अच्छी लगी है। चलो भैया धन्यवाद। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल दीपक कार सीट कवर। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्विफ्ट 2023 का मॉडिफिकेशन, जिसमें हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट पूरा बेस टू टॉप बना रहे हैं, और इसमें पूरा मॉडिफिकेशन वाला है। डैम्पिंग छोड़ के पूरा ऑलमोस्ट JBL का आइटम लग रहा है, उसके बाद एंड्रॉयड सिस्टम लग रहा है, एम्बियंस लाइट लग रहा है, फ्रंट में LED लग रहा है, बैक में DR लग, बैक में पिलर लाइट लग रहा है, फ्रंट में DR लग रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हर काम हो रहा है। तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें। गाइस आ चुके हैं हम गाड़ी के पास, गाड़ी अपना हो चुका है फुल ओपन, और ओपन में दिखाऊं आपको तो क्या क्या ओपन हुआ दिखाता हूं। ये देखिए भाई, पूरा डोर अपना खुल चुका है, डोर पैनल, साथ में अगर दिखाऊं स्टीरियो का पैनल भी खुल चुका है, देख सकते हैं। और उसके बाद जो मैं दिखाऊं आपको तो नीचे की तरफ देख सकते हैं अपना ये कार्डी का एम्बियंस लाइट लगाने वाले हैं, और उसके बाद जो हम लगाने वाले हैं इसमें डोर वाइजर, साइड बीडिंग, ऑलमोस्ट पूरा काम करने वाले, तो पूरा चीज़ दिखाऊंगा आपको। तो दिखाऊंगा आपको सिस्टम, ये देख सकते हैं पूरा अपना निकल चुका है। उसके बाद जो इसमें हम लगा रहे हैं वो एंड्रॉयड लगा रहे हैं, एंड्रॉयड जो अपना कौन सी ब्रांड की रहने वाली है वो दिखाने वाला हूं आपको। ये देख सकते हैं डैप्स का एंड्रॉयड है, और फ्रंट से अगर लुक दिखाऊं ना इसका तो भाई ये देखो फ्रंट से भी लुक है, और काफ़ी हद तक इसका जो पन्नी उतरने के बाद लुक भी आएगा वो काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया लुक आएगा। उसके बाद अगर सीट कवर की बात करें, देख सकते हैं सीट कवर अपना फिटिंग हो चुका है, और फिटिंग होने के बाद अगर फिटिंग में आपको चेकआउट कराऊं तो फिटिंग देख सकते हैं कहीं से कोई कंप्रोमाइज नहीं, सकते हैं ना आप इसमें फिटिंग में कोई मतलब जो लूज पन आता है या कुछ आता है ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए पूरा देखिए, तो अगर फ्रंट का दोनों सीट में दिखाऊं, दोनों सीट बैक में लग के हो चुका है यार। हेडरेस भी जो लगा है उसमें देख सकते हैं कोई कंप्लेन नहीं है, ये देख सकते हैं आप हेडरेस भी लगा है उसमें कोई कंप्लेन नहीं है। उसके बाद अगर दिखाऊं बैक सीट, देख सकते हैं बैक सीट अपना ये लगा हुआ है कुछ। उसके बाद जो इसमें लगने वाला है भाई वो JBL का, ये देख पा रहे हो आप, ये देखो JBL का बेस ट्यूब है जो कि 1300 वाट लगने वाली है, वो भी इसमें इंस्टॉल होगा। साथ में इसमें एम्प लगा रहे हैं, तो एम्प का भी पूरा वायरिंग का चेकआउट करूँ ना, तो ये देखो अगर आपको दिखाऊं तो एम्प का वायरिंग देख सकते हैं अपना, एम्प का पूरा वायरिंग हो रहा है, ये देख सकते हैं एम्प का पूरा वायरिंग हो रहा है। और उसके बाद जो अपना जो भी हो रहा है कपलर वाई कपलर हो रहा है, देख सकते हैं ये कंपनी मेल दे रखा है, और हमारा जो कपलर होगा फीमेल वाला दिखा सकता हूं आपको। ये देखिए भाई पूरा कपलर टू कपलर, देख सकते हैं ना भाई ये कपलर टू कपलर पूरा काम होने वाला है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो स्टेयरिंग रैप होना है, वो स्टेयरिंग रैप भी दिखाऊंगा अभी आपको। तो बैक की तरफ से अगर दिखाऊं जैसे पिलर लाइट देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है, और पिलर लाइट जो लगा है वो मैट्रिक्स वाला पिलर लाइट है, वो ही पूरा दिखाने वाला हूं चला के आपको। अगर उसके बाद दिखाऊं देख सकते हैं कैमरा अपना इंस्टॉल हो चुका है, कैमरा देख पा रहे होंगे आप, इसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी दिखाने वाला हूं आपको मैं। ये देखिए ये पीछे पिलर लाइट देख सकते हैं ना। तो भाई बात करें स्टीयरिंग का, तो स्टीयरिंग अपना हो चुका है रैप, देख सकते हैं स्टीयरिंग रैप जो हुआ है वो पूरा ओरिजिनली क्वालिटी में हुआ है, और ये देख सकते हैं जो फिनिशिंग है स्टीयरिंग का वो चेक कर पा रहे होंगे आप। ये देखिए ये पूरा आप चेक कर पा रहे होंगे स्टीयरिंग का, जो भाई स्टीयरिंग लगा हुआ है वो कंपनी का स्टीयरिंग लगा हुआ है, इसमें हमने कोई स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं लगाया। बट अगर आपको रिक्वायरमेंट होता है कि हमें स्टीयरिंग को चेंज करना है तो हम पूरा स्टीयरिंग ही चेंज करते हैं, वो आपको पहले वाला वीडियो में दिखा चुका हूँ कि स्टीयरिंग पूरा कैसे चेंज होता है उसका। उसके भाई आपको दिखाऊं ना, तो ये स्विफ्ट का देख सकते हैं वेलकम लाइट रखा हुआ है, ये भी अभी लगने वाली है इसमें, जो कि यहाँ पे आएगा पूरा वायरिंग डल रहा है, और पूरा कपलर टू कपलर काम हो रहा है। अगर दिखाऊं आगे की तरफ से तो ये कंपोनेंट भाई JBL का लगा हुआ है, और उसके बाद JBL का इसमें बेस्ट ट्यूब भी दिखाया हूँ आपको। तो भाई अगर फ्रंट की ओर से दिखाऊं ना, तो फ्रंट की ओर से भाई देखो इसका फ्रंट से ओर से ये देखो भाई ये DR हम लगा चुके हैं, फोकलम का DR लगाया है इसमें, साथ में फोकलम लगाया है, और फोकलम में भाई LED लगा रहा है, देख पा रहे होंगे आप LED दिख रहा होगा। ये देखो भाई इसमें भी LED चेंज कर दिए हैं। अगर ऊपर की ओर से बात करें तो ऊपर में अपना LED लग चुका है, इसका रोशनी भी प्रोजेक्ट का बना हूँ, इसके साथ में इसका DR है, तो DR लगेगा नहीं लगेगा उसके बाद की बात है, पर इसमें DR लग जाए तो काफ़ी तक मतलब कुछ अलग ही लुक आएगा DR लगने के बाद। उसके बाद LED का मैं रोशनी चेक कराने वाला हूँ, साथ में देख सकते हैं आप। तो भाई इसमें करेटा वाली हॉर्न भी लगने वाली है, हॉर्न अपना रखा हुआ है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए भाई ये हॉर्न लगने वाली है, हॉर्न भी लगने वाला है। उसके बाद फ्रंट से ग्रिल तो भाई इसका आया हुआ है टॉप मॉडल का है, और उसके बाद भाई साइड प्रोफाइल से अगर बात करें ना, तो इसमें देख सकते हैं डोर वाइजर लगा चुके हैं, ये डोर वाइजर जो है वो गैलियो ब्रांड की रहने वाली है। ये देखो भाई थोड़ा नाइट है इसके वक्त जैसे पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, वो भाई आप मैनेज कर लेना क्योंकि अच्छा काम दिखा रहा हूँ। और ये देखो भाई अगर साइड बिल्डिंग दिखाऊँ ना आपको, देख पा रहे होंगे आप पीछे से अगर दिखाऊँ तो ये देख पा रहे होंगे, और अभी जो पीछे हमारा लग रहा है पीछे हमारा वही स्पीकर रहने वाली है,
साथ में ये एम्बियंस दिखाया था मैंने आपको, एम्बियंस देख सकते हैं, ये एम्बियंस ये देख पा रहे होंगे, ये देखो भाई ये कार्डी के एम्बियंस अभी वायरिंग हो रहा है, इसे पूरा अभी एम्बियंस भी लगना है, काम होने वाला अपना फुल एंड फाइनल। क्योंकि वो ये देखो भाई, अगर फ्रंट से दिखाऊँ ना तो भाई ये देखो भाई रोशनी अब चेकआउट कराऊँ, ये देखो भाई मतलब पूरा दिन कर दिया है अभी भाई नीचे इसमें। तो भाई खाली DRL का रोशनी चेक कराऊँ ना तो खाली DRL का रोशनी है भाई, देख लो ये खाली DRL है। साथ में अगर इंडिकेटर पर दिखाऊँ आपको तो इंडिकेटर पर दिखाने वाला हूँ, इंडिकेटर पर दिखाऊँ तो भाई ये देखो अपना पूरा मैट्रिक्स है। ये DRL खाली दिखा रहा हूँ आपको, अगर फ्रंट से दिखाऊँ तो देख सकते हो भाई, ये देखो भाई ये फ्रंट से DRL है, ये देखो भाई देख पा रहे हो ना, ये DRL खाली। उसके बाद अगर हेडलाइट रोशनी चेक कराऊँ तो भाई रोशनी चेक कराने वाला हूँ अभी, देखो तो ये देखो भाई ये जो अपना ये रोशनी है भाई ये खाली फोक लैंप का है। उसके बाद हेडलाइट की बात करें ना तो भाई ये देखो ये अपना हेडलाइट की रोशनी है, डिपर है, ये देखो भाई फुल रोशनी जो है ये अपना ये है, ये देख सकते हो भाई। तो रोशनी भी काफ़ी तक बहुत बढ़िया है, साथ में ये देखो भाई मतलब आगे से भाई दिख ही नहीं रहा है कि यही गाड़ी है, देखो भाई रोशनी के हमने देख सकते हो ना, ये भाई देखो ये मैट्रिक्स अपना जो फोक लैंप DRL भी लगाया वो भी मैट्रिक्स रहने वाली, क्योंकि इंडिकेटर साथ देख सकते हो ब्लिंक कर रहा है, अगर इंडिकेटर बंद कराया तो फ्रंट से ना पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा। तो भाई ये देखो फ्रंट से पूरा वाइट बिल्कुल, ये देखो भाई फुल वाइट हो गया ना फ्रंट से, ये देखो भाई फ्रंट से पूरा वाइट हो गया भाई, देखो ये फ्रंट से पूरा वाइट हो गया भाई एकदम, जो DRL है LED है ऊपर नीचे दोनों मतलब पूरा लाइट कर दिया उसका। ये देखो भाई साइड वाइज दिखाऊँ ना और रोशनी थ्रो अगर चेक कराऊँ तो देख सकते हो भाई थ्रो भी कोई कम नहीं है, थ्रो भी काफ़ी तक बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं पीछे की ओर से, पीछे की ओर से बात करें ना भाई तो पीछे भी पिलर लाइट लगा है, देखो पिलर लाइट दिखाऊंगा आप, ये देखो भाई पिलर लाइट अगर दिखाऊंगा आपको तो देख पा रहे होंगे पिलर लाइट, ये देखो भाई पन्नी लगा हुआ है, ये देखो भाई देख रहे हो ना पिलर लाइट, अगर ये भी मैट्रिक्स है भाई ये भी इसका भी इंडिकेटर दिखाने वाला हूँ आपको मैं, ये देखो भाई ये भाई देखो ये भाई देखो ये देख रहे हो ना जी भाई पूरा अपना मैट्रिक्स लगा हुआ है। साथ में अगर मैं दिखाऊँ अंदर की ओर से तो भाई एम्प का कनेक्शन होना हो चुका है चालू, देख पा रहे होंगे कितना सलीम बैठा हुआ है, क्या सलीम कितना टाइम लगना भाई अभी भैया एक घंटा, अरे भाई बहुत टाइम लगा गया जल्दी कर यार। तो भाई दूर से भी थोड़ा चेक कर लो, काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया थ्रो आने वाली है। और साथ में अगर दिखाऊँ एम्प का तो एम्प भी हो चुका अपना स्टार्ट, एम्प स्टार्ट हो चुका है, लो भाई अपना एम्प हो चुका है ऑन, एम्प हो चुका है ऑन भैया, कितना टाइम लगेगा एम्प में अभी 15-20 मिनट, ये भाई कपल भाई कपल काम हो रहा नहीं पता, पहले तो ये बताओ दिखाओ अच्छा दिखाओ। तो भाई पहले भी दिखाऊँ आपको कपड़ा भाई कपड़ा पूरा काम हुआ है और साथ में अपना एम्प का पूरा वायरिंग होना हो चुका है स्टार्ट, और ये देखो अपना भाई पूरा चेक हो रहा है। उसके बाद जो अपने चलने वाला है ना बेस्टू भाई पीछे लगाया है, यहाँ पे बेस्टू आएगा और पूरा चारों स्पीकर भी हो चुका अपना स्टार्ट, ये देखो भाई कॉम्पाउंड दिखा, ये देखो ये पूरा चेकआउट हो रहा है और टूटर भी इसका लगने वाला, टूटर कहाँ इसका रखा हुआ भाई, ये देखो ये जेबे का दो टूटर रखा हुआ है यहाँ पे, टूटर भी यहाँ इंस्टॉल होने वाली है अभी। तो भाई रात को बज चुके हैं 9:10 देख सकते हो भाई, 9:10 हो चुका है और भाई एक इसके साथ ना भाई देख सकते हो देख पा रहे होगे आप, दूसरा स्विफ्ट अपने पास आ चुकी है, उसमें भी एम्बियंस अटक नहीं है, जो इसमें एम्बियंस लगा रहे हैं उसमें भी एम्बियंस लाइट लगनी है। और अगर दिखाऊं स्विफ्ट तो ये भी अपना खुलना हो चुका है स्टार्ट, ये देखो भाई ये भी स्विफ्ट आ चुका है अपने पास। तो भाई देखो इसका भी दरवाज़ा हम खोल चुके हैं, ऑलमोस्ट दरवाज़ा खोल चुके हैं इधर का, और उधर का भी दरवाज़ा देख सकते हो खुल रहा है, इसमें भी एम्बियंस लाइट लगनी है क्योंकि एम्बियंस लाइट इसमें तो लग चुकी है वाइट वाले में, इसमें लाइट लग चुकी है, इसमें भी लगना है भाई। तो इसमें और कुछ तो नहीं है पर ये देख सकते हो इसमें स्टेयरिंग इसमें भी रैप हुआ पड़ा है, ये देखो भाई देख रहे हो ना दरवाज़ा इसका भी खुल रहा है एम्बियंस लाइट में। अब इसका मेन जो काम रह गया है वो लाइटिंग का काम है, जो कि अंदर का लाइट है क्योंकि इसमें अपना सिस्टम भी हो चुका है स्टार्ट, ये देखो भाई। तो भाई अगर दिखाऊँ ना आपको तो पूरा हो चुका है कनेक्शन स्पीकर का, ये देखो भाई देख पा रहे हो ना एंड्रॉयड ही पूरा फुल एंड फाइनल हो चुका है। अब भाई मेन जो है वो सेटअप है आवाज़ का, जो वॉइस का सेटअप है अभी वो करने वाला है। साथ में अगर दिखाऊँ ना तो भाई बेस्टू भी खुल चुकी है, देखो भाई ये देखो बेस्टू भी खुल चुकी है, बेस्टू अपना डिग्गी में आ चुका है, ये देखो भैया ये बेस्टू भी आ चुका है डिग्गी में, ये देख सकते हैं ये JBL का, ये देखो 1300 वाट बेस्टू आ चुका है डिग्गी में। अब जो आवाज़ निकलने वाली है भाई कुछ अलग आवाज़ निकलने वाली है। तो भाई आज जो रेट देने वाला, आज जो मैं बताने वाला हूँ ना प्राइस के साथ बताऊंगा भाई कौन सा सामान कितने का आता है और पूरा फुल बता बताने वाला हूँ। तो भाई ये देख लो अब इधर से अगर बात करें एम्बियंस लाइट का तो पीछे एम्बियंस लाइट हो चुका है फिट, ये देखो भाई एम्बियंस लाइट का थ्रो देख सकते हो आप, और जो ये है अपना पूरा ऐप से चलता है। अगर इधर का दिखाऊँ तो इधर का देख सकते हो भाई, इधर का नहीं लगा हुआ है मगर ये देखो इसका जो तार आया हुआ है ये यहाँ पे है, और ये पहले बताऊँ आपको कार्डी का लगा हुआ, फ्रंट से अगर दिखाऊँ ना फ्रंट का भाई तो ये फ्रंट का भी देख लो लगना स्टार्ट हो चुका है।
तो मतलब पूरा गाड़ी पैक होने पे आ गया है। अगर यहाँ की बात करें वेलकम लाइट, वो भी लगना है पर अभी लगा नहीं है। और फ्रंट से इसका LED दिखा चुका हूँ आपको मैं। और अगर अंदर की ओर से दोबारा बात करें तो देख सकते हैं एम्प का पूरा अपना वायरिंग हो चुका है, फुल एंड फाइनल देख सकते हैं भाई, एम्प का पूरा हो चुका कनेक्शन फाइनल। और उसके बाद ये देखो अपना जो एम्बियंस फ्रंट में, ये कितना टाइम लगना है इसमें? अभी 5 मिनट यार बस। भाई दूसरा स्विफ्ट की अगर बात करें ना, ये तो ग्रे वाला स्विफ्ट देख सकते हैं, एक वाइट, एक ये वाइट है भाई, एक ये दूसरा ग्रे है। तो इसमें भी अपना एम्बियंस लाइट ही है, साथ में इसमें नीचे पैरों में ATM लाइट लगना है। यहाँ पे ATM लाइट देख सकते हो, ये भी लाइट आ चुका है। अगर फ्रंट की ओर से बात करें भाई, तो फ्रंट इसमें भी ये देख पा रहे होंगे आप, देखो एक में अभी लगा है, पीला लगा हुआ है, इसका निकल चुका है LED, इसमें भी LED इंस्टॉल होने वाली है भाई। अगर दूसरा स्विफ्ट दिखाऊं ना आपको, दूसरा स्विफ्ट देख सकते हैं DRL फ्रंट में लगा हुआ था, पर एक लाइट शायद इनका ख़राब हो गया है, तो एक लाइट निकल चुका है, एक DRL अभी भी लगा हुआ है। इसमें फ्रंट में बात करें तो अभी तो नॉर्मल बल्ब लगा हुआ है देख सकते हैं, उसके बाद इसमें अभी लगने वाली है LED। ये देखो इधर लगा भी चुके हैं LED, देख पा रहे होंगे इधर LED लगा हुआ है। इसका थ्रो जो है वो भी चेक कराने वाला हूँ अभी मैं, और अंदर से मैं दिखाई चुका इसमें क्या क्या काम होने वाली है। तो भाई अपने पास आ चुकी है दो स्विफ्ट देख रहे हो ना भाई, एक ये है और एक दूसरा वाला ये पीछे एम्बियंस लाइट इसमें देख सकते हैं। ये देखो भाई, तो दूसरे वाला स्विफ्ट देखें आप ग्रे वाला, उसमें पिलर लाइट नहीं है, मगर इसमें पिलर लाइट था, इसमें लग चुका है पिलर लाइट अपना, ये मैं आपको वीडियो में दिखाया भी हूँ। साथ में एम्बियंस भी हो चुका है फाइनल, ये देखो एक दरवाजा हो चुका है फाइनल, तीनों दरवाजा भी बाकी है देख सकते हो ना, तीनों दरवाजा रुका हुआ है। तो इसमें भी होने वाला है पूरा फुल एंड फाइनल, उसके बाद हूँ दिखाने वाला। अगर रेट की बात करें ना, तो रेट ही बताने वाला भाई, रेट क्या रहने वाली है। तो अगर बात करें भाई, तो देख सकते हो अगर अंदर का जो एम्बियंस लाइट का काम चल रहा है, देख सकते हो एम्बियंस लाइट किस तरीके से लग रहा है, पूरा ओरिजिनली लग रहा है, ताकि इसमें कोई इशू ना है। ये देख सकते हैं, ये देख पा रहे होंगे आप पूरा देख सकते हो ना। तो इसका जो लाइट का थ्रो मैं दिखाई चुका हूँ आपको, ये अपना गाड़ी का देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा दूर है, ये देखो ये थ्रो है, और यहाँ पर भी फ्रंट का ये हो रहा है, बैक का लग चुका है। उसके बाद बात करें वेलकम लाइट का देख सकते हैं, वेलकम लाइट अपना ये पड़ा हुआ है, ये दोनों गाड़ी में लगना है वेलकम लाइट, फिर दोनों गाड़ी में लगना है। तो भाई देखो अपना होने वाला स्विफ्ट तैयार, ये लो भाई ये दोनों स्विफ्ट देख सकते हो ना। तो भाई हो चुका है अपना गाड़ी फुल एंड फाइनल, अब देख सकते हो आप थ्रो फ्रंट से, अगर थ्रो का चेक कराऊँ ना तो भाई ये देखो अभी हॉर्न लग रहा है, इसमें हॉर्न का टाइट हो चुका है। अगर हॉर्न भी चेक कराऊँ ना तो ये देखो भाई हॉर्न भी, ये देखो हॉर्न लग चुका है। अगर फ्रंट से बात करें पूरा DRL भी लग चुका है अपना, इसमें इंडिकेटर आपको दिखाई दिया। अगर अंदर की ओर से बात करें तो अंदर भाई देखो हमने क्या क्या लगाया है, पहले आपको बता चुका हूँ, मेंशन कर चुका हूँ, ये देखो साथ में दिखाऊंगा आपको। तो ये देखो भाई एम्बियंट लाइट का हो चुका है काम फाइनल, उसके बाद अगर दिखाऊँ आपको भैया तो वेलकम लाइट देख सकते हो, ये वेलकम चेकआउट करो, ये देखो ये वेलकम लाइट है। साथ में अगर दिखाऊँ आपको मैं स्टीयरिंग को दिखाऊंगा, स्टीयरिंग रैप एक बार, स्टीयरिंग रैप आप चेक कर सकते हो, स्टीयरिंग में कोई कहीं से कमी नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल 0x0 इसका फिटिंग है और प्रॉपर तरीके से किया गया, ताकि इसमें टाइम तो लगता है पर थोड़ा फिनिशिंग भी है काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। अगर उसके बाद बात करें हम, उसके बाद पीछे की ओर से बात करें भाई, तो पिलर लाइट लग चुका है। अगर पिलर लाइट की बात करें इंडिकेटर पे, तो इंडिकेटर भी रनिंग करता है, ये वो भी दिखाने वाला हूँ आपको मैं भाई। ये देखो पूरा एकदम मैट्रिक्स है ये, और प्रॉपर वर्क कर रहा है देख सकते हैं आप। उसके बाद ना पीछे से लगने के बाद भाई इसका लुक ही कुछ अलग से आ जाता है, देख सकते हो भाई, ये देख रहे हो ना। अगर भाई दूसरे स्विफ्ट की बात करें ना, तो दूसरा स्विफ्ट भी हो चुका अपना फाइनल, उसका मैं LED का थोड़ा चेक करा ही चुका हूँ। अगर इसमें भी अंदर की ओर से बात करूँ ना, तो ये देखो भाई अंदर की ओर से बात करते हैं, तो उसके बाद मैं दिखाऊँ अंदर की ओर से भाई। देखो ये एम्बियंस लगा हुआ है अंदर की ओर से, देख पा रहे होंगे। साथ में अगर मैं दिखाऊँ, देख सकते हैं वेलकम लाइट भी लग चुका है दूसरे वाले स्विफ्ट में, ये देखिए भाई एम्बियंस पूरा लग चुका है। तो भाई हो चुका है फाइनल, इधर भी स्टीयरिंग रैप हुआ था, ये देखो स्टीयरिंग रैप इधर भी देख लो। साथ में ऐसे दिखाऊं इसमें, तो ATM लाइट इसमें लग रहा है, जिसे मैजिक लाइट कहते हैं, वो भी इतना इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद अगर फ्रंट की ओर से बात करें, देख सकते हैं भाई ये देखो, ये देख पा रहा हूँ यार, ये वो लाइट का थ्रो भी है काफ़ी बहुत बढ़िया आ चुका है। तो गाइस आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू। तो गाइस अभी इसका सुनाने वाला हूँ आवाज़ आपको, और आवाज़ में आप देख सकते हैं अपना BT कनेक्ट हो चुका है, और म्यूजिक भी चलाने वाले हैं हम, NCS का म्यूजिक चलाएंगे, ताकि आपको कॉपीराइट क्लेम ना आए। और आवाज़ हूँ चेकआउट करने वाला फुल, तो भैया मिली अपने व्हाइट वाले स्विफ्ट के ऑनर से। भैया नाम क्या आपका? कहाँ से आए थे काम कराने भैया आप? डिस्ट्रिक्ट बोला सर, विलेज से। अच्छा, कैसा काम लगा भैया? काम अच्छा लगा।
जो एम्बियंस लाइट वगैरह लगाया है आप काम में सेटिस्फाइड हैं या नहीं है? काम करा के मजा आया नहीं बताओ तो? 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 11 दोगे? ऐसा क्यों, क्या अच्छा लगा आपको ज़्यादा? आपकी हर चीज़ अच्छी लगी। हर चीज़ अच्छी लगी है। चलो भैया धन्यवाद।